लाइव हर जुर्म का पर्दाफाश। मऊ जिले के सदर विधानसभा के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी गिरोह के खिलाफ और गिरोह के गुर्गों के खिलाफ पुलिस ने फिर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। अंसारी गिरोह के करीबी रहे राजेश उर्फ राजन सिंह आज 35 लाख रुपए की संपत्ति को 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्यवाही किया। जिले के सरायलकंसी थाना क्षेत्र के खरगेजपुर गांव में मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी राजेश उर्फ राजन सिंह की गांव में 35 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्की की कार्रवाई किया गया। मुख्तार अंसारी गिरोह के करीबी गैंग और उसके आर्थिक नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने में जुटे हुए हैं। जो माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है, उसमें आज मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी गिरोह इंटरस्टेट गैंग 191 का अत्यंत नजदीकी और कोयला माफिया जो गैंग मेंबर है राजेश उर्फ राजन सिंह, इसकी 35,23,600 रुपए की अनुमानित मूल्य की संपत्ति आज 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि ये अपराधी जो राजन सिंह है, ये सन 2009 में इसके द्वारा जो मन्ना सिंह हत्याकांड हुआ था उसके दो गवाह थे, राम सिंह मौर्य और उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी आरक्षी सतीश, इन दोनों के ऊपर इन्होंने फायरिंग किया था और उसमें जो गवाह हैं उनकी मृत्यु हुई थी। इस संबंध में मर्डर का मुकदमा दर्ज हो गया था और आगे चल के इस पूरे गिरोह के खिलाफ इसी मुकदमे के बाद गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसी पूरे गिरोह को और इंटरस्टेट गैंग 191 के सभी सदस्यों के खिलाफ जो गैंगस्टर एक्ट और 14 की कार्रवाई हमारी चल रही है, उसी क्रम में आज 917 अराजी संख्या में कुल चार जगह पर 766 वर्ग मीटर भूखंड 14 के तहत कुर्क किया गया है। इसकी अनुमानित मूल्य जो है वो 35,23,600 रुपए है। इसमें उल्लेखनीय बात ये भी है कि आज जिस अपराधी का ये भूखंड कुर्क किया गया है उसी का भाई जो इस गैंग का पहले भी सदस्य है उमेश सिंह, इसकी भी पिछले कुछ दिनों पूर्व मऊ पुलिस ने 6.5 करोड़ की लगभग संपत्ति कुर्क की है। तो लगातार जो माफिया गिरोह है उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य कार्रवाइयाँ और गैंगस्टर एक्ट के बाद 14 एक्ट के तहत कुर्की करने की कार्रवाई लगातार जारी है। उसी के क्रम में आज ये कोयला माफिया और IS 191 गैंग का सदस्य राजन सिंह की 35 लाख की कुर्की की गई।